बर्गर खाने आई जब भी भूख लगे बर्गर खाने का तो आ जाओ किस किस को खा रहे हैं जावेद तू भी आ रहा भाई और तो लगी है रात का वॉक करती हूँ सुबह खा लेती हूँ इतना अभी बर्गर खाया अभी आइसक्रीम खाई है और मैंने तो खा ली है तो खा रहा है ये लेट है मुझे कहता चल ले चल ले मैं फर्स्ट आ गई हूँ और ये लेट है आज फ्रेंड्स अभी हम छल्ली खा रहे हैं छल्ली ले रहे हैं टैब भी देख ले ऊपर करते हैं हाथ तो डाले बीच में से बस बस पानी बंद बस उसके नीचे यही है ये है हमारी DSC DU की कैंटीन और यहाँ से मैं खा रही हूँ सांभर वड़ा और कॉफी पी रही हूँ साथ में गरम कैसा लग रहा है सो फ्रेंड्स आज रेफ्रिजरेटर को साफ करने का दिन है सो ये साफ़ करने के लिए सारा का सारा सामान बाहर निकाल के इनको अच्छे से वॉश करके और फिर अंदर डाला गया है सो आप देख सकते हैं और इसके बाद ये जितने भी बॉटल्स वगैरह है सब कुछ अच्छे से क्लीन करना पड़ता है क्योंकि कई बार होता है चीज़ें अंदर गिर जाती है जैसे मलाई एंड ऑल भी अंदर गिर जाता है सो इसलिए ये सब भी साफ़ करना ज़रूरी है सो फ्रेंड्स यहाँ पे इनके जितने भी ये शेल्स हैं इनको बाहर निकाल के सर्फ से वॉश करके अगेन दोबारा डाला है इसके अंदर और ये साइड में हमने क्या लगाया है बॉटल्स लगाई है वाटर बॉटल्स लगाई है सॉस लगाई है सोडा दूध सोडा पीने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सोडा एंड ऑल साइड में रखा हुआ और सामने एक शेल्फ में हमने वाटर बॉटल्स रखी हैं और इसके बाद एक शेल्फ में यहाँ पर दूध का पतीला आता है और नीचे फ्रूट्स आते हैं वेजिटेबल्स आते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने अब क्लीन किया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है है ग्रोसरी का इसमें बिस्किट्स है और बॉर्नविटा के साथ एक फ्री मिला है मैं बॉर्नविटा पीती हूँ आपको पता है और ये रिलायंस की चाय है ये रिलायंस फ्रेश से लिया इसलिए सो आप देख सकते हैं ग्रोसरी का कुछ सामान खरीदा है ये मैंने आज दालें खरीदी हैं छोले खरीदे हैं पैकेट के अंदर क्योंकि इसके अंदर कोई मिट्टी पत्थर नहीं निकलता साफ सुथरी दालें होती है तो मैंने ये स्प्रे चने लिए हैं ये उर्द छिड़के वाली दाल ली है मूंग साबुत दाल है और ये बैकिंग से कुकीज़ हैं बहुत ही टेस्टी अजवाइन वाले राजमा और छोले तो पैकिंग में सामान लेने से फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर बरसातों में कीड़ा नहीं लगता वो साफ़ सुथरी दालें हैं तो इस तरह फ्रेंड्स आप ही परचेज़ कर सकते हैं थैंक यू